है वो प्रिया प्रकाश के आइटम है ना यार। मैडम इसका आंसर क्या है? लिख मैडम सुसु लगाए। अबे शू मत कर, निकल जाएगा। ए पागल औरत शू मत कर। तुझे पता है सिर्फ स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ हम खुद पैसे देकर दुश्मन खरीद लेते हैं, और इस दुश्मन का नाम है टीचर। भाई अब टीचर ने क्या बिगाड़ा है? हाँ तो बनाया भी क्या है, 15 साल से मजदूरी करवा रहे हैं, वो भी पैसे लेकर। बहुत जुल्म ढाए इन लोगों ने हम पर, नहीं छोड़ूंगा। डांट का, मार का, होमवर्क का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। हर स्कूल में एक ऐसा टीचर होता है जिसको लोगों को मुर्गा बनाने का बहुत शौक होता है। हे तुम क्या कर रहे हो? सर नाक में उंगली डाल रहा। अच्छा जाओ मुर्गा बनो। ओए दाढ़ी क्यों नहीं बनाई? सर भूल गया। अच्छा जाओ मुर्गा बनो। ओए बाल कहाँ है तुम्हारे? आई एम प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। अच्छा जाओ मुर्गा बनो। सुनो ना, आज ना डॉगी स्टाइल करेंगे। क्या? जाओ जाके मुर्गा बनो। क्या बोला? मुर्गा बनाएगा तेरे को, मुर्गा तोड़ दूंगी। ये टीचर लोग छुट्टी के दिन भी पीछा नहीं छोड़ते, वीकेंड में भी होमवर्क देंगे। हाँ भाई कैसा है, क्या चल रहा है? यार कुछ नहीं, टीचर ने आज प्रोजेक्ट दे दिया। अब इन टीचर्स को क्या लगता है कि हमें बहुत टाइम और मेहनत लगती है प्रोजेक्ट्स करने में। ये टॉपिक पढ़ाने का मन नहीं है और बच्चों की छुट्टियां भी खराब करनी है। हॉलिडे होमवर्क ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कॉपी पेस्ट और विकिपीडिया जिंदाबाद। मम्मी सुंदर सा कवर पेज बना दो। ये लीजिए मैम प्रोजेक्ट, काफी मेहनत लग गई और पूरी रात बैठ के लिखा हूँ। वाह वेरी गुड। हमारा हॉलिडे खराब करना चाहती थी। अगली बार ऐसे टॉपिक पे हॉलिडे होमवर्क दूंगी कि गूगल पे भी नहीं मिलेगा। जब भी बच्चे क्लास में होमवर्क नहीं करते, टीचर हमेशा यही भाषण झाड़ेगी। देखो बच्चों, अगर तुम रोज पढ़ोगे तो बहुत बड़े बनोगे। यस कुछ मी मैडम, लिख के दे मेरे को, लिख के। क्या? अगर मैंने आपका होमवर्क किया तो 10 साल में अंबानी बनूंगा। स्टैम्प पेपर पे लिख के दे मेरे को। मम्मा मम्मी कैसे लिख के दे सकती हूँ? तू नहीं देगी? नहीं। नहीं देगी? नहीं। पापा को बुला के 420 का केस ठोक दूंगा। झूठी औरत, भविष्यवाणी करने को किसने बोला है तुझे? अपना काम करना। मैं तो बोलता हूँ स्कूल में एडमिशन लेने से पहले इनसे एग्रीमेंट लिख के ले लो। पढ़ाई खत्म होने के बाद बच्चे को नौकरी नहीं मिली तो पैसा वापस नहीं, फोकट में क्यों दे इनको पैसा। पीटी टीचर, ये प्राणी पैदा ही हाफ चड्डी और सीटी लेकर होते हैं। ये हमारा पीटी टीचर ऐसा था, फटा टमाटर, अस्थमा का पंप लेकर स्कूल आता था। ये लोग कसरत के नाम पे हमें सिर्फ सीटी बजा के दिखाते हैं, बाकी सब हमें करना पड़ता है, खुद एक इंच भी नहीं हिलेंगे। बच्चों आज हम रनिंग करेंगे, रन। आज हम स्विमिंग करेंगे, स्विम। अगर इनको कोई और सब्जेक्ट दिया जाए तो। आज हम ज्योग्राफी करेंगे, जागो। इस भोपाड़ी की चड्डी निकाल के भागो, भैंस की आंख। मेरा हिस्ट्री टीचर हिटलर से कम नहीं था, छोटी मूछ बुन में पूछ, साला रोज 10-10 पन्नों का होमवर्क देता था। नहीं तुम लोग मुझे एक बात बताओ, ये हिस्ट्री का बच्चा किस जॉब में काम आता है पे? जर्मनी ने इंग्लैंड पे हवाई हमला किया तो मैं क्या करूँ बे? मैंने बोला था हिटलर को, इसके बुन में कीड़ा था, इन्होंने मार डाला, मैंने क्या किया है बे? मेरे को क्यों पनिशमेंट मिल रही? ये न्यूटन, आइंस्टाइन, औरंगजेब, हिटलर सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मदरबोर्ड के बच्चे। जब भी टीचर क्लास में कोई सवाल पूछती है, मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपको आता है तो हाथ ऊपर कर देना। मार्टिन लूथर किंग कौन था? देखो अब रूल इज रूल, मुझे जवाब नहीं आता था, मैंने हाथ ऊपर नहीं किया। फिर भी साली ने मुझे उठाया। हाँ तुम बताओ। ए चीटर औरत, मेरा हाथ कहाँ से ऊपर दिख रहा है रे तेरे को, बहन की तकी? मेरा हाथ, पाँव, सर, नुन्नू सबके सब नीचे झुके हुए, मुझे ही क्यों उठाया बे? चीटिंग 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 करती है तू, रुक। हेलो मिस्टर मात्रे, ये आपकी बीवी चीटिंग कर रही इधर। मैं तो बोलता हूँ शॉटगन लेके जाओ स्कूल में, ऐसे नमूने टीचर मिलेंगे तो वहीं पे ठोक देना सालों को। अगर आप भी टीचर के जुल्म के सताए हुए बदनसीब हैं, तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। यहाँ आपने एक लाइक ठोका, वहाँ एक टीचर खलास। हेलो, हाँ सर। सुना है तू टीचर की बुराई करता है, ओरल के मार्क्स चाहिए कि नहीं? सर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सर, टीचर तो एकदम भगवान होते हैं सर। अगले हफ्ते बोर्ड एग्जाम है, पता है ना? हाँ पता है सर, सॉरी सॉरी सर। साले ये बोर्ड एग्जाम के नाम पे बहुत ब्लैकमेल करते, नहीं छोड़ूंगा, ये एग्जाम को भी नहीं छोड़ूंगा। I have you now.